हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद स्किल। स्वागत है आपका जीडी एजुकेशन में। आज हम आपके लिए कक्षा 7 का गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं। ये पेपर आज ही हुआ है और इससे पहले भी हम साइंस इंग्लिश के पेपर आपको उपलब्ध करा चुके हैं और SST के पेपर भी उपलब्ध करा चुके हैं। आप उन्हें भी ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक 70 होते हैं और प्रश्न 1 से 4 नंबर तक के प्रश्न विकल्पिक होते हैं, जिनमें आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। 5 भाग का मान है, इसमें मिस प्रिंटिंग हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2 है, यदि x बराबर 4 हो तो 2x+8 का मान होगा। प्रश्न नंबर 3 है, 10xy में से -8xy घटाने पर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4 है, 7929 का वर्गमूल होगा। इन चारों प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब प्रश्न 5 से 8 तक के प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ग के चार चारों भुजाएं डैश होती है। प्रश्न नंबर 6 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डैश होता है। प्रश्न नंबर 7 है, षटभुज में भुजाएं डैश होती है। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्न एक एक अंक के हैं। प्रश्न नंबर 8 है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं डैश होती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 3 नंबर का है, इसमें 1 और 2 प्रश्न दोनों प्रश्न रेडेड अंक के हैं। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, ब्रैकेट -3 × 4। इसमें 2 नंबर प्रश्न है, -5 × -7 × -4। इन दोनों को आपको गुणनफल ज्ञात करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 10 से हल कीजिए। इसमें 1 नंबर है, 81/2 − 35/8। इसमें 2 नंबर है, 22.3 + 31/2। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, 7/10 + 2/5 + 3/2। 10 नंबर प्रश्न भी 3 अंक का है, इसमें तीनों प्रश्न एक एक अंक के हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यह भी 3 नंबर का है और इसमें तीनों प्रश्न एक एक अंक के हैं। 1 नंबर प्रश्न है, 1296। 2 नंबर प्रश्न है, 3979। 3 नंबर प्रश्न है, 1764। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, 3/5। 2 नंबर प्रश्न है, -21/2 और 3 नंबर प्रश्न है, -8/3। इसमें तीनों प्रश्न एक एक अंक के हैं। और प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, 48 30 000। इसमें 2 नंबर प्रश्न है, 18 40। यह भी 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है और इसमें दोनों प्रश्न डेढ़ डेढ़ अंक के हैं। हम इस वीडियो में आपको 13 प्रश्न ही दिखाएंगे और इसकी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी कल। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को से रिलेटेड कुछ भी विचार हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप 7th क्लास में तो आपको पेपर आज का कैसा हुआ ये भी जरूर बताएं। थैंक यू। अपनी दोस्ती बनी रहे।